ठीक है। तो पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सपोज ए सेट में 1 2 3 है, ओके। अगेन बी सेट में सपोज, ओके, बी सेट में सपोज तुम्हारा 1 है, ये सपोज तुम्हारा 4 है, 6 है, ओके, 4 है, 6 है, अगेन 7 है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, कौन बोलेगा ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 4 1 4 1 4 1 6 1 6 1 7 1 7 और क्या आएगा? 2 4 2 4 2 6 और बच्चों को थोड़ा रुक जाइए, अब 2 4 2 6 6 6 7 7 ओके। अगेन 3 4 हाँ, द्वारा 3 4 3 6 3 7 3 4 3 6 और क्या? 3 7 ओके, वेरी गुड। ओके ये बच्चों आपका ए क्रॉस बी है, ओके। उसके बाद रिलेशन, सपोज में एक रिलेशन डिफाइन किया, उसके बाद है क्या फंक्शन। सपोज एक रिलेशन में डिफाइन किया कि रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई सॉज दैट, ये रिलेशन से फिर फंक्शन बच्चे बनेगा, ओके। वो कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा फिर रिलेशन फंक्शन बनेगा, ओके। सपोज ये एक्स वाई सॉज दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ओके ओके, एक्स वाई सॉज दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, और तुम्हारा एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू जी, ओके। एक्स जो ए सेट का है, वाई बी सेट का, ओके। उसको रोस्टर फॉर्म क्या आएगा? रोस्टर वाई डिविजिबल बाय एक्स, ये सब आएगा 1 4 1 1 सेकंड वाला पहले से डिविजिबल है, ओके। आएगा क्या 1 4 1 6 और क्या आएगा 1 7 1 7 और क्या आएगा बोले 2 4 2 6 आएगा, 2 4 2 6 सेकंड वाला वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, और क्या आएगा 2 4 ओके 3 6 आएगा, ओके 3 6 ये आपका रिलेशन आया, ओके। देन ये रिलेशन को हम एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला सेट ए सेट है क्या? 1 2 3 बी सेट है 4 6 7 1 2 3 बी सेट है 4 6 7 ओके ठीक है। और ये तुम्हारा ए सेट है और ये बी सेट है, ओके। जब 1 का किसके साथ रिलेशन है? 1 का 4 1 6 और 1 7 के साथ, ओके। 1 4 1 6 1 7 के साथ रिलेशन, ओके। अगेन 2 का किसके किसके साथ रिलेशन है? ये 2 4 2 6 ओके। अगेन तुम्हारा 3 का किसके साथ रिलेशन है? 3 6 ओके ठीक है बच्चों। देन ये रिलेशन कुछ क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करता है देन वो फंक्शन बनता है, ओके। तो यहां पर है ये फंक्शन, रिलेशन कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सकता है तो ये रिलेशन विल बी फंक्शन, रिलेशन विल बी फंक्शन। इसका मैपिंग तुम्हारा इसका रहता है ए टू बी, ठीक है। रिलेशन विल बी फंक्शन फ्रॉम मैपिंग ए टू बी, ओके। रिलेशन विल बी फंक्शन फ्रॉम मैपिंग ए टू बी, अगर ये दो तो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करता है, ये रिलेशन फंक्शन बन जाता है। पहला बात है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो पहला सेट का एवरी एलिमेंट
every elements of set A or sum should have image. Every element of set A should have image. अगर मैपिंग A टू B है, every element of set A should have image. Should have image in set. Okay, थोड़ा handwriting problem हो रहा है इधर लिखने में थोड़ा. Okay. In set भी होगी. ये दो टू criteria करना पड़ेगा. पहला बात है कि every element of set A should have image. Suppose one का भी है, टू का भी है, थ्री का भी है, तो पहला ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है. ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट शुड हैव इमेज इन सेट बी. सेकंड बात है, तो इमेज इज यूनिक होना है. ओके, जो सेकंड बात है, तो इमेज शुड बी यूनिक. इमेज शुड बी यूनिक. इमेज शुड बी यूनिक मीन्स ए सेट का हर एलिमेंट का एक ही के साथ एक ही तो यूनिक इमेज रहना है, एक ही इमेज रहना है, वन इमेज रहना है. तो इमेज शुड बी यूनिक मीन्स इसका मीनिंग होता है कि एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हाव यूनिक इमेज और वन इमेज ओनली. वन इमेज और वन रिलेशन. ओके, ओनली वन इमेज और वन रिलेशन और यूनिक रिलेशन इन सेट भी. ओके ओके, सो जो ओनली वन इमेज रहना है, ओनली वन रिलेशन रहना है. ओके, सेकेंड बात है, तो इमेज शुड बी यूनिक होना है. ठीक है, तो बात है क्या, मैं थोड़ा और भी थोड़ा एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ. पहला बात है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है सेट ए शुड हैव इमेज. तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए का इमेज है, तो पहला बात हो गया यहाँ पर इमेज है. लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो वन का यूनिक इमेज नहीं है. थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूं. वन है, टू है, थ्री है. ओके, अगर ये तुम्हारा ए टू बी है मैपिंग. ओके ठीक है, देन तुम्हारा ये सपोज ये वन है, फोर है, नाइन है, टेन है. सपोज ये वन का रिलेशन वन है, टू का रिलेशन फोर है. इतना ही दिया, क्या है फंक्शन बनेगा, क्या ये फंक्शन बनेगा? ये पहला ये को क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया. एवरी एलिमेंट टू, एवरी एलिमेंट का क्या रहना है, इमेज देना है. पहला ये को क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया. क्या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट शुड हैव इमेज इन सेट बी. तो यहाँ पर जो हर एलिमेंट का इमेज देना है, तो थ्री का इमेज नहीं है, थ्री का इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा. तो पहला क्राइटेरिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट शुड हैव इमेज. तो यहाँ पर थ्री का इमेज नहीं है, तो फंक्शन नहीं होगा. सपोज अगर थ्री का रिलेशन अगर नाइन के साथ कर लेते हैं, तो ये पहला क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया कि एवरी एलिमेंट आ क्या अब सेट शुड हैव इमेज इन सेट बी. ओके, हर एक का इमेज है. ओके, सेकंड रहना है कि यूनिक इमेज रहना, एक ही इमेज रहना, एक ही रिलेशन रहना. ओके, वन का एक ही के साथ रिलेशन है, टू का एक ही के साथ रिलेशन है, थ्री का एक ही के साथ रिलेशन है. ओके, थ्री का एक ही के साथ रिलेशन है, तो ये फंक्शन बने. यहाँ एक्स्ट्रा कोडोमेन में एक्स्ट्रा रहने से चलेगा. ओके, कोडोमेन में एक्स्ट्रा रहने से चलेगा. यहाँ पर सेट बी में एक्स्ट्रा 11 रहने से चलेगा, लेकिन ए में हर एलिमेंट का इमेज रहना है. ओके, तो ये फंक्शन बच्चे बनेगा, ये वाला जो मैपिंग है फंक्शन बनेगा, ये वाला मैपिंग फंक्शन बनेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट का है और यूनिक इमेज है, एक ही एक ही इमेज है. ठीक है, ये फंक्शन बनेगा, दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है. अच्छा, सेकंड बात है,
जब एवरी एलिमेंट का एक अगर हम डोमेन क्या बोल रहे थे लास्ट क्लास पे रिलेशन में, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज डोमेन। तो हमारा जो हर एलिमेंट का अगर जब इमेज है, हर एलिमेंट का अगर इमेज है यहाँ पर डोमेन, यहाँ पर जब ये कोई मैपिंग ऐसा देता है ये तुम्हारा 100% डोमेन होता है। तो क्यों डोमेन होता है, क्योंकि जब फंक्शन है उसका हर ये का जब ये फंक्शन है, ये ऐसा जब ये बोल दिया मीन्स ये फंक्शन है। ओके, जब ऐसा कोई दे दिया ये फंक्शन है। ओके, और जब ये फंक्शन है तो हर एलिमेंट का इमेज देना है। जब हर एलिमेंट का रिलेशन रहता है तो हम बोले थे कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड द डोमेन। ओके, तो हर एक का जब तुम्हारा रिलेशन रहता है देन ये बच्चे क्या बनेगा, हर एक का जब रिलेशन ये बनता है देन ये तुम्हारा फंक्शन ये डोमेन बनेगा। तो यहाँ पर डोमेन ये है, जब ऐसा कुछ देता है ये तुम्हारा को डोमेन होता है। सेट भी क्या होता है, को डोमेन होता है। जब भी कोई मैपिंग है तो ये डोमेन है। क्यों डोमेन है, बिकॉज जब ये फंक्शन है का हर एलिमेंट का रिलेशन रहेगा और ये को डोमेन। और रेंज, यहाँ पर रेंज कौन है, कौन बोलेगा रेंज, यहाँ पर रेंज कौन है, कितना है, 149। ओके, जो रिलेशन में है द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड द हमारा रेंज। तो तुम्हारा 149 वो रिलेशन में है और कोडोमेन कौन है, ये तुम्हारा रेंज है। ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन, ये रेंज ऑफ द फंक्शन है। अच्छा, कोडोमेन कितना, कौन बोलेगा कोडोमेन क्या है, 149, 11। हाँ, कोडोमेन तुम्हारा क्या होगा, ओके 149, 11। और एक बात, सेट बी को बोलते हैं, हमारा सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, पूरा सेट बी को। ओके, और पर रेंज जो है, ओके रेंज जो है वो सबसेट ऑफ किसका होता है, कोडोमेन होता है। ओके, तो एक फंक्शन बनने के लिए दो चीज है, पहला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट शुड हैव इमेज, और सेकंड बात है कि दैट इमेज शुड बी यूनिक। तो बच्चे यहाँ पर जो है ये एवरी एलिमेंट है, लेकिन ये वन का रिलेशन 4 है, वन का रिलेशन 6 है, वन का रिलेशन 7 है, बच्चे ये तुम्हारा फंक्शन नहीं बनेगा। सेकंड क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया, वन का यूनिक इमेज नहीं है, एक ही का साथ रिलेशन नहीं है। ओके, वन का 4 के साथ रिलेशन है, वन का 6 के साथ रिलेशन है, तो ये वन टू मेनी रिलेशन बोलते हैं। वन का 7 के साथ बोलते हैं, ये वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। इसे याद रखिए, वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ओके, और एक बात भी है, तुम्हारा ये फंक्शन नहीं है कि नहीं, और एक बात में भी जान सकते, अगर पहला एलिमेंट जो है कहीं पर अगर रिपीट करता है, फर्स्ट एलिमेंट अगर कहीं पर रिपीट करता है तो फंक्शन नहीं होता है। क्यों, क्यों फंक्शन नहीं होता है, पहला एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो क्यों फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये वन का रिलेशन का 4 है, वन का रिलेशन अगर 6 है, सो योर वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। सो बच्चे ये फंक्शन नहीं है। अब याद रखिए, अगर कहीं पर पहला एलिमेंट अगर रिपीट कर लेता है ये फंक्शन नहीं होता है। ओके, और एक क्वेश्चन देते हैं बच्चों, और एक तो देते हैं, ये तुम्हारा ए सेट है। ओके, फंक्शन का मैपिंग ए टू बी है। ओके, ऐसा उसका रहता है ए टू बी, जब ऐसा देता है। ओके, ऐसा है और ये फंक्शन है कि नहीं देखते हैं। ओके, ये 3, ये सब, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 2 है, यहाँ पर ये 5 है। ओके, और ये 4 है, और 7 है, और ये 9 है। ओके, सब 1 का रिलेशन 2 है। ओके, अगेन 2 का रिलेशन 9 है। ओके, 3 का रिलेशन भी 9 है,
फोर का रिलेशन भी नाइन है। ओके तो बच्चों बात है ये फंक्शन बनेगा कि नहीं। पहला एक काम करते हैं, फोर का सपोज रिलेशन नहीं है, किसी के साथ रिलेशन नहीं है। ओके वन का रिलेशन नाइन है, टू का भी रिलेशन नाइन है और थ्री का भी रिलेशन नाइन है, सभी का रिलेशन नाइन है। पहला बात है ये फंक्शन बनेगा कि नहीं। ऐसा सपोज अगर ये है, ये रिलेशन फंक्शन बनेगा कि नहीं बोली। पहले ये रिलेशन फंक्शन बनेगा कि नहीं, ये रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि फोर का कोई इमेज नहीं है। ओके पहला हमारा क्राइटेरिया होता है कि हर एलिमेंट का क्या है, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का शुड हैव इमेज इन सेट बी, हर एलिमेंट का रहेगा। अगर एक एलिमेंट का नहीं रहेगा तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो पहला फोर का ये, सपोज फोर का रिलेशन भी सपोज नाइन के साथ है, आप बोलिए ये फंक्शन बनेगा कि नहीं। अच्छा वन का कितना डा इमेज है, बोलिए वन का कितना डा इमेज है, वन का कितना डा इमेज है, एक ही डो इमेज है नाइन। टू का कितना डा इमेज है, एक ही इमेज है कौन है नाइन। थ्री का कितना डा इमेज है, एक ही इमेज है नाइन। फोर का कितना इमेज है, एक ही इमेज है नाइन। तो सभी का एक ही इमेज है, यूनिक इमेज है। तो वन का भी यूनिक इमेज है, एक ही है नाइन। टू का भी एक ही इमेज है, वो है नाइन। थ्री का भी यूनिक इमेज, एक ही है नाइन। फोर का भी एक ही इमेज है। जब हर एलिमेंट ऑफ सेट का एक ही इमेज रहता है तो ये हमारा क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया। पहला बात है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है इमेज है। सेकेंड बात है जो इमेज है यूनिक है, एक ही है। ओके इट मीन्स ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके तो वन का भी एक ही इमेज है इन सेट बी, टू का भी एक ही इमेज है। तो सेकंड क्राइटेरिया का भी सेटिस्फाई किया। बट इसको बोलते हैं मेनी टू वन रिलेशन। आप याद रखिए तो मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन, मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन। समझ रहे हो, मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन। ओके तो बच्चों ये समझ गए बच्चों, मेनी टू रिलेट ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है। पहला बात है एवरी एलिमेंट सेट है शुड हैव इमेज। सेकंड बात है जो इमेज है ए का, एक ही इमेज रहना है सेट बी में। ओके तो बच्चों यहाँ पर हर एक का एक ही इमेज है, वन का एक ही इमेज है नाइन, टू का एक ही इमेज है। अगर मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ वन का टू के साथ, देन बच्चों ये इमेज नहीं है। ये फंक्शन जो हॉस्टल सिस्टम के साथ एक एग्जांपल दे सकते हैं, तो एक हॉस्टल सिस्टम में एक एग्जांपल दे सकते हैं ये फंक्शन होगा कि नहीं। सपोज ए एक नाम का बच्चा है, बी एक नाम का बच्चा है, सी एक नाम का बच्चा है और इनको रखने के लिए रूम नंबर वन है, रूम नंबर टू है, रूम नंबर थ्री है, रूम नंबर फोर है। ओके तो ए बच्चा को इसमें रखा गया रूम नंबर वन में, बी बच्चे को रूम नंबर टू में, सी बच्चे को रूम नंबर थ्री दिया गया। पहला बात आप बोले ये फंक्शन है कि नहीं। ओके ये फंक्शन नहीं है क्योंकि जो डी बच्चा है उनका गार्डियन बोलेगा भाई मेरा बेटा को भेजा, आप लोग रूम नहीं दिए, तो उनका कॉम्प्लेन आएगा। किसका कॉम्प्लेन आएगा, डी स्टूडेंट का जो है ना, वो बोलेगा मेरा बच्चा को रूम नहीं दिएगा तो कैसे होगा। ओके ठीक है आपको बच्चे को रूम नंबर, हाँ रूम नंबर आपको बच्चे को फोर में दे दी, ठीक है दान ये फंक्शन होगा कि किसी का कुछ कॉम्प्लेन नहीं है। ओके किसी का कुछ कंप्लेन नहीं, हर बच्चे का हर एक एक रूम। सपोज कुछ गार्डियन वाला मेरा स्पेशल बच्चा है सी, ओके मैं इसको थ्री में भी वो जा सकता है, फोर में भी जा सकता है। ओके थ्री में भी रह सकता है, फोर में भी रह सकता है। देन बच्चे ये वाला पूरा आंदोलन कर लेंगे, ए बी बच्चे वो बोलेंगे, जो सी ए बी डी बच्चे वो आंदोलन कर लेंगे। क्या बोलेंगे, अरे सी जो लड़का है उसको दो रूम क्यों, हम लोग को एक एक रूम क्यों, उसको दो रूम क्यों। यहाँ फिर कंप्लेन आ जाएगा, यहाँ फिर कंप्लेन आ जाएगा, योर वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन।
देन बस ये तुम्हारा फंक्शन नहीं बनेगा, बिकॉज सी को था जब दो रूम दिया गया है, यहाँ के जो बच्चे दूसरे ए बी डी वो लोग कंप्लेन करेंगे उस लड़कों को स्पेशल क्यों, ओके तो यहाँ पर कंप्लेन आएगा, तो यह फंक्शन नहीं है, यू कैन से वन टू मिनट्स इज नॉट ए फंक्शन। ओके सपोज ऐसा है कि तुम्हारा सपोज ऐसा है कि डी बच्चे को, ओके डी बच्चे को बोला गया भाई तू थ्री के साथ एडजस्ट हो, ये चार को कमरा नंबर चार खराब है, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तू या इसके साथ तू एडजस्ट हो जा, तो बच्चे यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं आएगा क्योंकि ये चार नंबर कमरा जो है वो अब तक बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके साथ एडजस्ट होकर रह जाएगा, तो बच्चे ये फंक्शन होगा आगे, बिकॉज योर मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन। ठीक है तो बच्चे समझ गए बच्चों? यस सर। हाँ, योर वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, योर मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन। सेकेंड बात है एवरी एलिमेंट ए का इमेज रहना है, ठीक है, क्योंकि ये इमेज रहता है ये आपको डेफिनेटली इसको हम बोलेंगे डोमेन, क्योंकि हर एक का एलिमेंट का इमेज रहता है, इसे डेफिनेटली इमेज ये डोमेन बोलेंगे और इसको कोडोमेन बोलेंगे, और जिसका जिसके साथ रिलेशन है, जिसका जिसके साथ रिलेशन है उसको रेंज बोलेंगे। ओके तो चलिए आपका मुझे जितना लगता है आप समझ गए, ये दो ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है शुड हैव इमेज, सेकंड बात है कि जो इमेज रहना एक ही इमेज रहना, यूनिक इमेज रहना है, कि हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का एक ही इमेज रहना है। ओके ठीक है तो चलते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो यहाँ पर दिया है कि बच्चों ये रिलेशन का मैपिंग दिया है सभी, उसमें से कौन फंक्शन बनेगा कौन नहीं बनेगा, एरो डायग्राम कर लीजिए आपको बहुत सारा अच्छी तरह विजुअली पता चल जाएगा। ये टू है, पहला है टू है, टू का जो रिलेशन है वन का साथ है। ओके नेक्स्ट है तुम्हारा फाइव है, इसका भी रिलेशन वन के साथ है, एट भी का रिलेशन भी वन का साथ है, अगेन इलेवन का भी रिलेशन वन का साथ है, अरे ठीक है अगेन फोर्टीन का भी रिलेशन वन का साथ है, 17 का भी रिलेशन 1 के साथ है, ठीक है तो बच्चों ये आपका फंक्शन बनेगा, ये दो सैटिस्फाई किया है क्योंकि एवरी एलिमेंट है शुड हैव इमेज। सेकेंड बात है हर एक ही इमेज है, 14 का एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 5 का भी एक ही इमेज है, हर एक ही इमेज है, ओके 8 का भी वन ही इमेज है दैट इज वन, 11 का भी एक ही इमेज है, ओके तो ये हम बोल सकते हैं योर मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन, मेनी टू वन रिलेशन। ठीक है बच्चों, मैनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन। ठीक है नेक्स्ट बच्चों देखिए सेकंड वाला, ये भी होगा। अच्छा देखते अच्छा देखिए क्या क्या एलिमेंट है, 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 8 का 4 के साथ, ओके नेक्स्ट बात है बच्चों,
एट का फोर के साथ हुआ, टेन का फाइव के साथ, टेन का फाइव, ओके, ये टेन का फाइव के साथ, ओके, और ट्वेल्व का सिक्स का, ट्वेल्व का सिक्स, ट्वेल्व का सिक्स, ओके, और तुम्हारा फोर्टीन का सेवन, फोर्टीन का सेवन के साथ, फोर्टीन का सेवन के साथ, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारा एवरी एलिमेंट का क्या इमेज है, और इमेज यूनिक इमेज है, ओके, सो इट इज ए फंक्शन, ओके। अगर ये मैपिंग जो भी दे दीजिए, पी टू पी, ए टू बी दे दीजिए, ओके, ये मैपिंग तुम्हारा ए टू बी, तो एवरी एलिमेंट हैज, पहला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज इमेज एंड इट हैज यूनिक इमेज, ओके। तो लिख दीजिए, रीजन दीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, सेट है, सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है हाफ यूनिक इमेज, इन सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, सो इट इज ए फंक्शन, ओके। यूनिक इमेज, यूनिक इमेज और एवरी एलिमेंट्स, ओके, सो इट इज ए फंक्शन, ओके। नेक्स्ट बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर बीट थ्री में बोल रहा था, कहीं पर पहला एलिमेंट कहीं पर रिपीट करता है वो फंक्शन नहीं होता है, ओके, कहीं पर पहला एलिमेंट रिपीट करता फंक्शन नहीं होता है। तो ये बीट थ्री देखिए, यहाँ पर भी इसका मैपिंग बना दीजिए, ओके, ये द्वारा वन का थ्री, वन का फाइव, वन का थ्री, फिर वन का फाइव, ओके, और उसके बाद टू का फाइव, ओके, ये टू फाइव, यहां पर लिख दीजिए, योर वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, वन टू मेनी रिलेशन नॉट ए फंक्शन, ठीक है। बच्चे हो गया, बच्चों सभी का वन टू मेनी रिलेशन नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चलते हैं और थोड़ा ग्राफिकल थोड़ा बोलते हैं, ओके, अच्छा बच्चों देखिए, ये बोल रहा है कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, ये बात जान लीजिए, कहां पर पहला एलिमेंट रिपीट कर लेता है वो फंक्शन नहीं है, पहला एलिमेंट, ये पहला वाला फंक्शन है, ओके, ये फंक्शन वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखना है कि सेकंड वाला जो है टू का रिलेशन टू से है, और टू का रिलेशन कितना फोर से ही, और वन टू मैनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, वन टू मैनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। सेकंड बात बच्चे देख लीजिए कि तुम्हारा और वाला देखिए, ये पहला कहीं पर रिपीट नहीं है तो ये फंक्शन है, सिर्फ ये नॉट फंक्शन, ओके, पहला एलिमेंट कहां पर रिपीट कर लेता है वो फंक्शन नहीं होता, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे तुम्हारा 12th क्लास में या 11th क्लास में ग्राफिकली कुछ गिरता है, फंक्शन है कि नहीं ग्राफिकली गिरता, ओके, 12th में तो गिरता है, ओके, वन मार्क क्वेश्चन, ओके, देखिए ये एक तो पैराबोला है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, y² = x का ग्राफ है, ये फंक्शन है कि नहीं बोलेंगे, अगेन ये तो है कि ये y = x²
ये फंक्शन है कि नहीं बोलेंगे। ओके ये एक तो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा है, इसका इक्वेशन कुछ पता नहीं है मुझे। ओके ये ऐसा ही ग्राफ एक बना गया, एक्स और क्या एक्स डैश और क्या वाई और वाई डैश। ओके ये एक ये वाई क्वाड एक्स ग्राफ, वाई क्वाड एक्स तो ये इस ग्राफ का फंक्शन है, ये वाई इक्वल एक्स और एफ एक्स इक्वल एक्स, इनमें से कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं। देखिए क्या एक ग्राफ फंक्शन बनेगा बच्चों, सपोज एक्स का एक एलिमेंट है टू और इसका सपोज ये आता है फोर आता है और यहाँ पर माइनस फोर आता है। ओके क्या ये फंक्शन बनेगा बच्चों, सपोज ये माइनस फोर आता है ठीक है, एक्स का फोर और माइनस फोर आता है, एक्स का टू में एक प्लस फोर आता है और एक टू माइनस फोर आता है, क्या ये फंक्शन बनेगा। yes, कहाँ बच्चों, मैं तो बोला था वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ये टू का रिलेशन फोर के साथ है फिर टू का रिलेशन माइनस फोर के साथ है। आगे तो कहाँ पहला अगर एलिमेंट रिपीट कर लेता वो फंक्शन नहीं होता है। So your this is not a function, but so your one to relation not a function, okay? But so exam में आता है one mark question में से graph देता है, बोलेगा ये function है कि नहीं। बच्चे समझे कि नहीं समझे? अरे समझे? हाँ, one to many relation not a function, okay? Next बच्चों graph function बनेगा कि नहीं देख लीजिए। ये हर element का different different है, okay? हर element का different different है। हर एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट है, एवरी एक्स का डिफरेंट ये है। तो बच्चों ये एवरी एक्स का ये है और डिफरेंट डिफरेंट है, ये फंक्शन बच्चे बनेगा। ओके एवरी एलिमेंट वह सेट है, हाज यूनिक इमेज, एक ही तो इमेज है, हो गया। नेक्स्ट बच्चों ये तुम्हारा फंक्शन नहीं बनेगा बच्चों, यहाँ पर क्यों फंक्शन नहीं बनेगा, यहाँ एक ही एलिमेंट सपोज ये तुम्हारा थ्री ले लेते हैं, ये थ्री का इसका साथ नाइन के साथ है और ये सब 27 के साथ है और ये आगे सब ये माइनस नाइन के साथ है, सब थ्री का रिलेशन नाइन के साथ है, थ्री का रिलेशन माइनस नाइन के साथ है, ये बच्चों फंक्शन नहीं बनेगा। ओके जब तुम ऐसा एक वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर दोगे ना पार्लर टू द वाई एक्सिस, अगर दो जगह कट करता है वो फंक्शन नहीं बनता है। ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे अगर दो जगह कट करता है वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो बच्चे यहाँ पर थ्री का हाँ योर वन टू मेन रिलेशन रिलेशन नॉट ए फंक्शन। ओके अच्छा नेक्स्ट बच्चे देखिए ये एवरी एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट ये आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, आर ए का अलग अलग है, एवरी एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। ओके तो बच्चे ये फंक्शन बनेगा बच्चे, ओके दिस इज ए फंक्शन। ओके ये वन मार्क के 12th क्लास में आता है और तुम्हारा भी डाल सकते हैं। ओके तो एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज है। ओके तो बच्चे ठीक है, तो बच्चे कल आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शन।